प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की। अमेरिका की तरफ से ये जो की गई, मेरे ख्याल से ज्यादतियां कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये ज्यादतियां हैं बहुत बड़ी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं, ये अपनी जगह एक सितम। जश्न का इंतजाम करो, हम करते हैं प्रबंध। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, दी मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। वाह मोदी जी वाह। इंडिया की डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है, इंडिया यूथ की तारीफ हो रही है। यार दुश्मनों के तोते उड़ गए, लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, ये है क्या मामला। अमेरिकन से इंडिया ने ये वादा लिया है कि वो को प्रोडक्शन को एडवांस प्रायोरिटी देंगे। दोस्तों यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो, तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब भले जेट इंजन हो, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो, वेपन्स हो, म्यूनिशन हो, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम हो, ये सारा कुछ उसके तहत इंडियंस एंड अमेरिकंस करने जा रहे हैं। जो इंडिया वाले जो भी उनका वजीर आजम सदर बनता है वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं, इसलिए उनकी पूरी अकवाम मुत्तहदा में पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। वाह भाई वाह। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। क्या हमारी भी ऐसी कोई स्पीच रखी जाएगी, क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। एक जमाने में अमेरिका और पाकिस्तान का ऐसा याराना था जैसे वो मिसाल समझ लीजिए आप, फिल्म शोले की जय और वीरू जैसा, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, इतना तगड़ा याराना था पाकिस्तान और अमेरिका का। गमो गुस्सा भी था, और जब पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही थी तब भी अमेरिका ने अपना बेड़ा बेच दिया था भारत के खिलाफ। 1971 की पाक भारत जंग के दिन याद है हमें। ओके। हमारे बड़े बूढ़े अमरीकी बीड़े की कहानी अब भी नहीं भूले। अक्सर आप सुनते होंगे अमरीकी बीड़े की कहानी जिसने पाकिस्तान की मदद के लिए आना था, लेकिन उस ना आने वाले बीड़े पर अंधा एतमाद हमें बड़ा ही महंगा पड़ा। ठीक है समरिया। कहने का मकसद ये कि 70 साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार 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 हमें अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कभी इमदाद की बंदिश, कभी पैसे लेकर भी F-16 तैयारों की फरहमी रोक दी गई, कभी ड्रोन हमलों की सूरत, कभी सानिया एबटाबाद की शक्ल में हमारे सहतादी ने हमारे एतमाद को बार बार तोड़ा, बार बार ठेस पहुंचाई, लेकिन डू मोर का राग कभी नहीं छोड़ा। डू मोर, डू मोर, डू मोर हम भी करते गए अमेरिका की तरफ से। आप लोग रोना बंद कीजिए। अमेरिका की तरफ से मेरे तक आवाज आ रही है। लेकिन समय का चमत्कार देखिए, समय का परिवर्तन देखिए, समय बदला, हालात बदले, आज वही अमेरिका भारत के लिए पाए खोल के खड़ा रहता और वही पाकिस्तान को पूछता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात की। ठीक है। जिसमें बड़े नशेबो फराज देखने में आए, कभी मोहब्बत, कभी मुखालफत, समझ नहीं आई कि दोनों ममालिक के दरमियान आखिर ताल्लुकात का असल रूप है क्या। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा। लेकिन ये कंफ्यूजन काफी हद तक दूर होती जा रही है। अरे वाह। अब ये दोस्ती थी या मतलब परस्ती थी, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर अगर हम नजर डालें तो ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान साहब ने रूस के मुकाबले में अमेरिका को तरजीह दी। 20 अक्टूबर 1947 यानी पाकिस्तान बनने के ठीक 2 माह 6 रोज के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कायम हो गए और पाक अमेरिका ताल्लुकात 7 दहाइयों पे फैले हुए, 7 decades। पाकिस्तान को जो डॉलर दिया करता था वो डॉलर देना भी इसने बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान की आर्मी की जरूरत थी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में उलझा हुआ था। अब वो अफगानिस्तान से जा चुका है तो पाकिस्तान की वैल्यू हो गई है 0 0 0 अंडा। और भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए रिश्तों के बाद में पाकिस्तानियों का जलना स्वाभाविक है, और हमारे मोदी जी को US से आया इन्विटेशन जहाँ पे मोदी जी जरूर जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने दिए रिएक्शन, बिना देर के चलते पाकिस्तान। बात बताऊँ असल में ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के गुलाम। yes! जो भी हमारा वजीर आजम बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वजीर आजम अपना अमेरिका से मशावरत करते है, फिर हमारा वजीर आजम बनता है। yes! जो इंडिया वाले जो भी उनका वजीर आजम सदर बनता है वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं, इसलिए उनकी पूरी अकवाम मुत्तहदा में पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। yes!
हमारा क्या है, हमारा तो जो आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका अमेरिका का गुलाम होता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? उसको भी अमेरिका का, पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओ, इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वजीर आजम बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्टू होते हैं, जो बात अमेरिका की नहीं मानते वो बहन तो आप देख लो, जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला, इमरान खान को जिस तरह इन्होंने अंदर डाला हुआ है वो किसने कहा? इमरान अमेरिका ने कहा है ना। अब पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब अपर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हम है गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम दर गुलाम, गुलाम, गुलाम दर गुलाम है। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो जो काउंसिल का बंदा है उसकी बात सुनते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी तरह हमारा जो ये भी हमारा मसला है ना, अब जिसकी थोड़ी सी पावर है उसकी बात सुनी जाती, दूसरे की नहीं सुनती। आप ऐसे चौक के पास जाओ, किसी और बंदे के पास जाओ, वो तब तक बात ही नहीं सुनता जब तक अमेरिका हमें इनवाइट करेगा। इनवाइट का तो इनवाइट का तो मैं नहीं कह सकता, अमेरिका इधर से कमा भी तो रहा है, पाकिस्तान से कमा भी तो रहा है, इनवाइट का मैं नहीं कहता, लेकिन वो वैल्यू हमारी गुलामों वाली होनी। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। वो जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके वो उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होते हैं उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है। हाँ भाई हाँ। और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अब जिस तरह ओवरऑल रहेंगे तो फिर ओवरऑल जो भी आप देख लो हमारे पाकिस्तान में कितने हालात आपका आजकल गलत हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के क्या हालात है ये बताएगी हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा। बोलो फिजा, बोलो, दिल खोल के बोलो। मुल्क में जो ताजिर है, किसान है, सफेद पोश तबका है, तलबा, सभी महंगाई के हाथों परेशान है। और इस महंगाई की बराह रास्त जिम्मेदारी यकीनी बात है कि हुकूमत वक्त पर ही आयद होती है कि इलेक्शन में हुकूमत और हुकूमती इतिहाद में शामिल सियासी जमातों ने आवाम से वादे किए थे, दावे किए थे कि सब कुछ बदल देंगे, दूध की शहद की नहरें बहा देंगे और गुरबत का सिर्फ नाम ही रह जाएगा। लेकिन तब्दीली ये आई कि हालात मजीद मुश्किल और कठिन हो गए, महंगाई से जिंदगी अजीरन हो गई, लोग खुदकुशियां करने लगे। बोलो फिजा, बोलो। अब सूरत हाल मुश्किल है, गरीब और सफेद पोश तबके के लिए रोज जीने और मरने वाली बात है। थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी जी शादी रचाने की सोच रही थी, भारत के मसलों में टांग अड़ाती है जितने, इसको पाकिस्तान के मसलों की चिंता नहीं रहती है, लेकिन पाकिस्तान के असली मुद्दे होते हैं ना, इन पे दो चार लाइन बोल के निकल लेती है। कितनी दोगली है फिजा खलीफा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सिर्फ इसी वजह से है, आवाम चाहती है कि कोई अच्छा बंदा है, कोई अच्छा नहीं आ रहा। अब हमारे वजीर आजम को देख लो, जो बैठा हुआ है वो क्या, उसको चेरी ब्लॉसम और क्या क्या पता नहीं उसके लिए वर्ड इमरान खान यूज करता है, वो इसी वजह से करता है ना भाई। उठा लेंगे तो क्या होगा, उठवा खैर है, कुछ नहीं होता। ये अजीब बात नहीं, उठाने वाली बात तो नहीं है, ये कौन सी बात, उठा लेंगे तो क्या है, पहली भी दूसरे बंदों को उठाए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं उठाते, तुम्हारा सरायकिस्तान बन के रहेगा, तुम्हारे सरायकिस्तान जो तुम पीछे लगे हो ना, असल में हमारा ये क्या मसला है, मुल्क आगे लेके जाना, मुल्क को कब लेके जाएंगे। अब हमारे जो ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, रात को जिसके 1.5 लाख की लीड थी वो सुबह 40,000 की लीड से हार गया है, ये कोई क्या है यार। अब हम हमारे अपने हलकों में ये इस तरह के हालात हुए हैं, देखो नवाज शरीफ रात को 1.5 लाख की लीड से हार रहा था, सुबह देखा तो भाई वो 40-50,000 की लीड से जीत रहा है, ये कौन सा है। और इधर जो हमारी बैठी है वजीर आला साहब, ये इसका क्या हाल हुआ है, ये भी तो यार फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। आज अगर हम ये सब चीजें उनकी शरायत मानने से इनकार करते हैं तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, हुक्मरानों की भी तो मजबूरी है ना। मैं ये बात ठीक है आपकी कि डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर हम कहते हैं अमेरिका की बात नहीं मानते, हम IMF की बात नहीं मानते, मुल्क भी तो चला जाएगा। वो डूब गया ना हमारा, IMF ने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे, उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर अंदर, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की ठोटी है ही नहीं हमारे पास, कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहला हमारा मसला यही है ना, हम कर्जा लेते हैं 1961-62 में हमने कर्जा दिया था, उसके बाद देखो कर्जा लेते ही आ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, जब तक ये फॉर्म 47 और 45 मामला सेट नहीं होगा, तब तक हमने गुलाम ही रहना है।
और ये आप जो सिक्योरिटी वाले मामला कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, तो ये अभी हमने माशाल्लाह 77वां जश्न आजादी मनाया, आजाद है तो कहाँ आजाद है, कहाँ आजाद है, किसने कहा आजाद है, आजाद कोई आजाद नहीं है, कहाँ आजाद है, कौन आजाद है, आप आजाद नहीं हो, नहीं आजाद है, कहाँ आजाद है, आप आजाद नहीं हो। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं हम आजाद है, जरा हैंड, कोई इनमें से कह दे, कोई कोई बंदा कह दे कि हम आजाद है, कैमरा की तरफ करो, कितने लोग आजाद है, हम आजाद है, हम आजाद है, एक बस, ये बस एक देख लिया पाकिस्तानियों को, ये आज भी आजाद नहीं है, अब मानते ही नहीं है कि ये आजाद है। गुलामी की मानसिकता इन पाकिस्तानियों पे इतनी भारी पड़ चुकी है, ये आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम आजाद है, कोई हाथ ही खड़ा नहीं कर रहा बंदा, अरे वाह जाए लो, चाह रहे हो, मैं आजादी, आजादी कौन सी होती है, ये वोट की आजादी, हम आजाद रहे और जो हमारा दिल करे हम करें, ठीक है, जो बंदा थोड़ा सा बोलता है वो सुबह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है, यही तो हमारा मसला है, जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं, भाई किधर आ जाओ आपको सैर करवाएं, सैर तो इनकी पाकिस्तानी आर्मी कराती कराती है, लेकिन हमारी किट्टू राव साहिबा भी फिजा को बहुत शेयर कराती है। कैसी लगी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आ जाओ तुझे सैर करा दूं, हरगिज नहीं, आ तो सही यार एक बार तू, तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। ओके, बहुत दिनों बाद वीडियो आया, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, मैं गया हुआ था मुंबई, मुंबई से वहाँ से मैं परसों आया, परसों भी क्या मतलब पूरी ट्रेन ही लेट हो गई, हमारा 18 घंटे का जो सफर था वो 28 घंटे का हो गया, 10 घंटे लेट हो गई ट्रेन, फिर एक दिन के लिए आपके भाई ने ले लिया रेस्ट, कि सत्यानाश तो हो ही गया था चैनल पे, सवा सत्यानाश से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएंगे और हो सका तो दिन में दो भी आएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।